आप सभी लोग देखते होंगे, जब भी कभी चुनाव होते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है तो कई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने लगती हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर। वो कहने लगते हैं कि धांधली होने लगी है। ये केवल आज की बात नहीं है कि आज बीजेपी नहीं है सत्ता में, उसके विपक्ष में कई लोग खड़े होकर बोल रहे हैं। जब याद रखिए, बीजेपी चुनाव हारती थी पहले तो बीजेपी भी इसे नकारती थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। बीजेपी भी इसके खिलाफ बोलती थी, बीजेपी को भी इस पर भरोसा नहीं था। जब आज आप देखते हैं कि कांग्रेस हारती है चुनाव तो कांग्रेस भी कहने लगती है, और भी अन्य पार्टियां हैं वो भी कहने लगती हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से एक तरह से चुनाव करवाना चाहिए। आप लोग देखते होंगे, देखिए ये है आपकी क्या, जो VVPAT, जिसे आप लोग एक तरह से कहिए कि आप लोग ATM जाते हैं ना, ATM तो गए होंगे आप लोग, तो उसमें आप देखते हैं कि जब आप लोग पैसा निकालते हैं तो उसमें एक पर्ची निकलती है, इसी तरह से इसे बोलते हैं आप लोग कि VVPAT, यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। एक तरह से क्या कह सकते हैं कि आप लोग जब चुनाव में वोट डालेंगे किसी को तो उसमें से एक पर्ची निकलेगी, और पर्ची एक तरह से आपको मालूम चलेगा कि आपने बीजेपी को वोट गया है आपका, या कांग्रेस को, या अन्य पार्टियों को। और अभी जो जो अभी देखते हैं आप लोग, एक बैलेट पेपर आप लोग सुनते हैं, जो आप देखते होंगे कि अभी भी कई जगह सरपंचों के चुनाव होते हैं, सरपंची या प्रधानी की, तो उसमें आप लोग इस तरह की पेपर मिलते होंगे, पेपर के द्वारा आप किसी को चुनते हैं। फिर देखते हैं आप लोग की पेपर की गिनती भी होती है लास्ट में। और अभी जो विधानसभाओं के चुनाव की बात करें तो इस तरह की आपकी एक मशीन रहती है, इसे आप लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इसी पर विवाद खड़ा हुआ है कि इस पर मतलब कहते हैं कि एक पार्टी को वोट दे रहा हूं और अन्य पार्टी को मेरा वोट चला जा रहा है। कई लोग इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा याद रखिए। जब बीजेपी के समय में आप देखेंगे तो बीजेपी भी काफी इस पर बवाल करती थी, उसे भी भरोसा नहीं था। आज सत्ता में है बीजेपी तो सर बीजेपी को भरोसा है और अन्य पार्टियों को भरोसा नहीं है, ठीक है। और याद रखिए, जब कोई जीतता है तब कोई नहीं कहता है कि हमें वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं है या भरोसा है, ठीक है। एक बात और आपको यहां बता दूं कि चुनाव के बारे में आप लोग सुनते होंगे, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग आयोग है जो आपका, जिसकी स्थापना आप सभी जानते होंगे कि 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ये चुनाव करवाता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के, विधान परिषद के, और आपके जो राष्ट्रपति होते हैं उपराष्ट्रपति साहब के, ठीक है। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं उनके लिए आपके हर राज्य में एक चुनाव आयोग होता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं उन्हें कौन करवाता है, तो आपको बताना है कौन करवाता है, इनके लिए करवाता है जो राज्य स्तर पर चुनाव आयोग होता है, ठीक है। सबसे बड़ी काम होता है यही कि निर्वाचन आयोग का काम क्या रहता है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वोटिंग मशीन पर। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो निर्वाचक नाम वाली जो भी तैयारी होती है इनका तैयार करवाना, फिर आप देखते होंगे राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी होता है कि कौन राष्ट्रीय दल है, कौन स्थानीय पार्टी है, इस तरह के नहीं रहते, क्षेत्रीय पार्टी, इनकी बात करते हैं। फिर आप देखते हैं कि सांसद विधायक की अयोग्यता, यानी कि कोई अयोग्य ठहराता है या चुनाव हार जाता है, इस तरह की बात करना, और गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना, ये भी आपका एक तरह से इन्हीं का कार्य है। और याद रखिए, संविधान में एक संविधानिक बॉडी है, संविधानिक संस्थान है, आर्टिकल 324 देखते हैं आप लोग, जो चुनाव आयोग से संबंधित ही है आपकी। चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय में अभी फिर से मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि इसके लिए पहले उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए, फिर आप देखते हैं कि हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। एक और बात बताऊं आपको, यहाँ देखिए हमारे देश में मुझे लगता है बैलेट पेपर से चुनाव करवाना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि मान लीजिए लोकसभा में अगर आप कहें कि बैलेट पेपर का उपयोग करें तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश को एक तरह से बैलेट पेपर दे पाना और मतलब उस तरह से चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं दिखता है। देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा उसके लिए, रिजल्ट के लिए बहुत टाइम लंबा लगेगा। अभी आप देखते हैं जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उसका उपयोग करके आप लोग बहुत जल्दी चुनाव भी करवा लेते हैं, और बहुत जल्दी एक तरह से
गिनती भी हो, जनगणना भी हो जाती है, गणना भी हो जाती है, जो भी आपको कहना है, ठीक है। और एक हो सकता है कि जो आपका वीवीपीएटी है, जिसे आप लोग क्या बोल देते हैं, इसका उपयोग करके आप लोग जरूर कर सकते हैं कि कम से कम जिस पर भरोसा नहीं है, जिन लोगों को, उन्हें आप लोग इससे क्या करें कि भरोसे में ला सकते हैं कि एक पर्ची निकलेगी, उससे आप क्या होगा कि आपको मालूम चलेगा कि किस पार्टी को आप लोगों ने वोट दिया है। एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे लोग आप लोग ईवीएम कहते हैं सामान्य, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग या सहायता से मतदान के दौरान वोट डालने उसके बाद वोटों की गिनती करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। ईवीएम को दो इकाइयों के संयोजन से तैयार किया गया है, एक है आपका नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट, दूसरा है मतदान इकाई, ठीक है। इन इकाइयों को एक केबल द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है। ईवीएम की नियंत्रण इकाई पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है। मतदाताओं को वोट डालने के लिए बैलेटिंग यूनिट को मतदान कक्ष के भीतर रखा जाता है। ईवीएम में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग बटन होता है, जिसके सामने उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह भी होता है। वह जिस दल का उम्मीदवार होता है, उस दल का चुनाव चिन्ह अंकित होता है। याद रहे कि भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल मई 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुआ था। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, ये भी कई बार पूछ लेगा कि भारत में कब पहली बार किस विधानसभा में, किस राज्य में इसका उपयोग हुआ था। हमेशा से कुछ राजनीतिक दल ईवीएम के उपयोग को इसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के आधार पर प्रतिबंधित करने की मांग करते हैं रहे हैं। और याद रखिए, कई बार चुनाव ने खुली छूट भी दी है कि जिसमें दम हो तो वो आके यहाँ इसे हैक करके बताए, लेकिन कोई दल वो तब नहीं जाता है, उसकी चुनौती को स्वीकार कोई नहीं करता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल, अगर ये इंटरनेट से जुड़ी हुई हो तो मुझे लगता है उसे हैक करना आसान होता है और हैक हो सकता है। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी हुई है, आप सभी लोग जानते हैं कि ताला जब बनता है तो उसकी चाबी बन ही जाती है। तो ये कहना भी गलत है कि एक तरह से हैक नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या है कि नेट से, इंटरनेट से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं कि इसे हैक कर पाना मुश्किल है। समझ रहे हैं आप लोग? आप समझिए कि फोटो कॉपी को ही ले लीजिए आप लोग, कि फोटो कॉपी मशीन को हम बाहर से कहीं हैक थोड़ी कर पाएंगे। उसमें तो आप जो डालोगे पेपर, उसी का फोटो कॉपी निकलेगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं डाल रहा हूं कोई किसी और आधार कार्ड की फोटो और पैन कार्ड की नीचे से उसमें से फोटो कॉपी निकला है उसकी, तो ये तो संभव नहीं रहेगा ना। तो यही बात इसमें भी बता रहा है। ईवीएम के आधार के विरोध का आधार अगर हम लोग करें तो 17वीं लोकसभा के चुनाव में ईवीएम के उपयोग के रोकने के लिए 22 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था। और यही समय देखिए, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी विरोध में रहते थे, एक तरह से आप लोग समझिए। एनडीए, एनडीए का मतलब होता है बीजेपी, उसमें मुख्य पार्टी होती है और इसके अन्य एक तरह से दल इसे जोड़कर क्या कह देते हैं आप लोग, एनडीए। यूपीए यानी कि इसमें कांग्रेस मेन पार्टी है और इसके बाकी दल जो भी सहयोगी दल हैं उन्हें आप लोग यूपीए कह देते हैं। तो आप समझिए कि जब कांग्रेस यानी कि यूपीए सत्ता में रहती थी तब एनडीए दल वाले विरोध करते थे इसका, और आज आप जान रहे हैं कि एनडीए यानी कि बीजेपी सत्ता में है तब आपके यूपीए वाले इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। चुनाव आयोग ने ईवीएम के हैक और उसमें धांधली होने के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए ईवीएम के काम करने के सभी चरणों के बारे में जानकारी भी साझा की है। विपक्षी दलों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कई देशों ने शुरू किया था, लेकिन इसकी सटीकता और सुरक्षा को लेकर इन मशीनों पर सवाल उठने के बाद यहाँ इनके उपयोग पर रोक लगा दी गई है। वर्ष 2006 में ईवीएम के इस्तेमाल करने वाले सबसे पुराने देशों में शामिल नीदरलैंड ने इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जिस देश ने इसका उपयोग किया था उस पर भी एक तरह से उसने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2009 में आप देखेंगे जर्मनी की सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम को गैर संवैधानिक घोषित किया था। इसके साथ बाद इटली ने परिणामों के बदले जाने की आशंका को देखते हुए इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। अमेरिका जैसे तकनीकी सक्षम देश के कई राज्यों में बिना पेपर टोल वाली ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है, वही इंग्लैंड और फ्रांस में तो कभी भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जब भी अगर आपका आंसर लिखने के लिए आता है, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आता है, तो आप इसके विरोध में भी कुछ पॉइंट लिखेंगे,
इसके पक्ष में भी पॉइंट लिखेंगे और नीचे अपना निष्कर्ष डाल सकते हैं। ठीक है, अगर ईवीएम के पक्ष में हम लोग तर्क की बात करें तो ईवीएम चिप आधारित मशीन होती है जिसे सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। उसी प्रोग्राम के माध्यम से उसमें डेटा संग्रहित किए जा सकते हैं। भारत के चुनावों में इस्तेमाल हो रही ईवीएम में इंटरनेट ब्लूटूथ के जरिए छेड़छाड़ संभव नहीं है क्योंकि इसके डेटा की कहीं से किसी तरह की कनेक्टिविटी नहीं होती है। ईवीएम दूसरी मशीनों से अलग रखी जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें कि इन मशीनों में अब भी पीएटी को जोड़ा जाता है जिसके माध्यम से मतदाता अपने मत प्रकट के तुरंत बाद यह जान सकता है कि उसने किसको किसे अपना मत दिया है। यानी कि आप कहिए कि वही एक तरह से आप मान सकते हैं कि जो आपकी एटीएम मशीन होती है उसी तरह की एक पर्ची से आपको मालूम चल जाएगा कि आपने कितने रुपए निकाले हैं या किस पार्टी को आप लोगों ने वोट दिया है। तो ये अच्छी बात है कि वीवीपीएटी इस तरह से जोड़ी जाए, व्यवस्था की जाए कि कम से कम जो भी मतदाता है उसे भरोसा तो, अगर आप सोचिए कि मतदाता का अगर भरोसा उठ जाता है, चुनाव आयोग से हट जाता है, तो आप समझिए कि मतदाता घर से ही नहीं निकलेगा वोट डालने के लिए। वो सोच के बैठा रहेगा कि क्या मतलब है जाने का। जब अगर कहीं मान लीजिए आप लोगों को ये पता रहे कि बीजेपी क्लियर है उस राज्य में जीतेगी और आप बीजेपी के खिलाफ वोट डालते हैं तो आप जाएंगे क्यों वोट डालने? आपको पहले ही मालूम है कि उसे मतलब चुन लिया जाएगा। तो इस पर भरोसा बनाए रखना भी चुनाव आयोग का काम है। इसलिए आप देखते हैं कि निष्पक्ष बॉडी है, एक तरह से निष्पक्ष संस्थान है आपका चुनाव आयोग। वो विपक्ष की भी उतनी ही सुनता है जितनी की सत्ता पक्ष की सुनता है। तो यही कहानी है आपकी तीनों की, इन्हें तीनों को आप देख सकते हैं। ये आपका जो आप देखते हैं ईवीएम, ये आपकी ईवीएम है, और जो वीवीपीएटी है ये वीवीपीएटी है, और आपका ये पुराना वही आप देखते हैं सरपंची के कई चुनाव में अभी भी उपयोग होता है, तो इसी की बात की जा रही है। आप हाथ से लगाकर ठप्पा लगाते हो वहां उस जाल के, उसके बाद आप जाते हैं एक पेटी में डाल देते हैं। ठीक है, और आप देखते हैं कि बड़ा पोलिंग बूथ हुआ करता था, ये पेटियां लुट जाती थी। ये वही समय की बात कर रहा हूं। या लोग आप देखिए, दबंग लोग घुस जाते थे, वो जल्दी जल्दी ठप्पा ठोक कर डाल देते थे। ये सरपंचियों में कई बार आपको देखने को भी मिलता था। तो इन्हीं की बात की जा रही है। कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं रहता, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कम से कम इनके बारे में। ठीक,